हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज हम फिर से रे ऑप्टिक्स की एक और लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सर्फेसिस। बेसिकली हमें एक कर्व सर्फेसिस पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए कुछ वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब बेसिकली हमारे पास जो कर्व सर्फेसिस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। अब इन दोनों ही सर्फेसिस में तीन तीन केसेस हैं, और तीनों यानी मीन्स तीन केसेस कॉन्वेक्स के और तीन केसेस कॉनकेव के, तो हमें ये छह केस सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला केसेस हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कॉन्वेक्स सर्फेसिस पे, राइट। जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो दो सर्फेसिस हैं कर्व हमारे पास, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, और दोनों में ही तीन तीन केसेस हैं, इसमें छह केसेस हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। तो पहले हम कॉन्वेक्स सर्फेसिस पे लगाएंगे, और कॉन्वेक्स में भी पहला जो कंडीशन वो होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेरर मीडियम में रखा होगा और इमेज जो है वो रियल फॉर्म होगी, राइट। तो ये है हमारा पहला केस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स सरफेस, राइट, और ये हो गए अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। यहां रखा है कोई ऑब्जेक्ट ओ, और जैसा कि अभी बताया रे कहां से कहां जा रही है, ये हो गया रेरर मीडियम, इसका म्यू हो गया वन, ये हो गया अपने पास डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स हो गया टू, राइट, म्यू वन और म्यू टू। अब रे जा रही है तो फर्स्ट रे तो अपने पास चलेगी स्ट्रेट, जब इस सेंटर से जाती है तो हमने पढ़ा हुआ है, तो बिना रिफ्रैक्शन यानी बिना डिफ्लेक्ट हुए क्रॉस कर जाती है। और दूसरा हमने ले लिया किसी एंगल पर जो कि एंगल बना रही है के साथ अल्फा। अब होगा क्या, यहाँ से बनाते हैं नॉर्मल, पहला काम अपने पास ना नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसका नॉर्मल कैसे होगा, तो इसका जो नॉर्मल होता है वो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है ना। तो ये हो गया, और इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब रेरर टू डेंसर जब रे ट्रेवल करती है तो वो क्या करेगी, ये ओरिजिनली जो जाना चाहती है वो ओरिजिनली ये इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, है ना, बट अब क्या होगा, ये ना ऐसे ना जाके क्या करेगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, राइट। तो यहां बन जाएगा अपना इमेज, है ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, इमेज के साथ एंगल बन रहा है बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ हमारा एंगल बनेगा गामा। अब ये नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल आर, क्लियर। अब इसमें जो नेमिंग है सारे केसेस में हम कॉमन नेम रखेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम M, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि अपर्चर का काम कर रहा है हमारा, ये हो गया N। तो डायग्राम कंप्लीट, डायग्राम समझ में आया, पहली रे सीधी चलेगी विदाउट डिफ्लेक्शन, फिर दूसरी रे हमने किसी एंगल अल्फा पे किसी पॉइंट पी पे स्ट्राइक कराई, तो वो क्या करेगी, रे ऐसे जाना जाती थी लेकिन ऐसे ना जाके वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में पड़ा है हमने रेरर टू डेंसर बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर। ये इनके एंगल सेलेक्ट कर लिए। अब इस सेंटर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू, ये और सेंटर का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये इमेज डिस्टेंस होता है वी। अब प्रोसेस जरा समझेंगे, प्रोसेस सबकी कॉमन रहेगी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ का, तो बाय स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहां से जा रही है, वन से टू में एंटर कर रही थे, तो म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अब यहाँ पे साइन आई और साइन आर जो होता है बहुत मिनिमम एंगल होता है, तो उसके लिए एक अजम्पशन होती है अपने पास फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, वो थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है,
तो इस साइन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, आई साइन आर की जगह आर, तो वैल्यू आ गई म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू आई बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। इसे बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहला जो ट्राइंगल है इसमें आई आ रहा है वो है ये पी ओ और सी। तो इन ट्राइंगल पी सी ओ, तो आई के लिए हमेशा ट्राइंगल रहेगा अपने पास पी सी ओ। तो देखिए आई एंगल है बाहर यानी एक्सटीरियर एंगल है अपने पास, ठीक है, और ये दो एंगल है इसके इंटीरियर। तो हमने पढ़ा है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है यानी अल्फा प्लस गामा। ये हो गया। अब दूसरा, अब आर निकालना है तो आर देखिए आर किस ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें पी सी आई में आर पी सी आई। इसमें भी अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस पी सी आई का और ये दो इंटीरियर हो गए। तो यहां से क्या आ रहा है कि गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। यहां से कैलकुलेट करते हैं आर, तो आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो म्यू वन आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा और ये हो गया म्यू टू गामा माइनस बीटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, म्यू वन अल्फा म्यू टू गामा म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। गामा वाली टर्म्स एक तरफ, इसको तो लिखा हुआ तो पॉजिटिव म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल्स टू म्यू टू गामा माइनस, सॉरी ये म्यू वन गामा होगा, मल्टीप्लाई क्या माइनस म्यू वन गामा। गामा कॉमन ले लेते हैं वहां से, यस इट इज म्यू टू माइनस म्यू वन, राइट। जैसा कि अभी हमने एक्सेप्शन ली थी, एंगल स्मॉल होता है तो कंडीशन क्या होती है, फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। और हमने टेन ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो ये अपने पास मिरर और लेंस के केसेस में क्या होते हैं, या तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली वैल्यू चाहिए होती है या उसके परपेंडिकुलर। ये जो स्लांट हाइट्स होती है इनका कोई यूज नहीं होता हमारे पास, तो टेन थीटा, तो सारे के सारे के सबके साथ क्या लग जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा, ये आ गया टेन गामा, राइट। अब करते हैं इनकी वैल्यू पुट, तो यहाँ थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। म्यू वन टेन अल्फा, ये है टेन अल्फा ट्राइंगल आ रहा है ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पी एन अपॉन में एन ओ, तो पी एन अपॉन में एन ओ टेन बीटा, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पी एन अपॉन एन आई, म्यू टू माइनस म्यू वन टेन गामा, यह है गामा, तो पी एन अपॉन में एन सी। अब यहां से क्या होगा, ये सारी वैल्यू पी एन ऊपर से पी एन पी एन कॉमन लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो गया म्यू वन अपॉन में एन ओ प्लस म्यू टू अपॉन में एन आई प्लस टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में एन सी, राइट। यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखिए एम और एन दोनों के बहुत दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है ना, यानी जो डिस्टेंस है एम एन ये बहुत स्मॉल है, इस स्मॉल डिस्टेंस तो हम इसको नेगलेक्ट मार सकते हैं, ठीक है। तो नेगलेक्ट करने के बाद जो एम एन है यानी जो एन ओ है वो एम ओ हो जाएगा, एन सी एम सी बन जाएगा और एन आई एम आई बन जाएगा। तो क्या है M is very close to N, तो अपने पास वैल्यू थी NO, NI, NC, ये बन गई MO,
MIMC, राइट। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो आ रही है अपने पास μ1 अपॉन NO और μ2 अपॉन NI। तो μ1 अपॉन में MO प्लस μ2 अपॉन में MI इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में MC, ठीक है। अब इनकी ओरिजिनल, अब इनकी साइन कन्वेंशन का यूज करके इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन तो MO MO MI और NC। तो डायग्राम में जाते हैं एक बार फिर से। MO इंसिडेंट रे ये है, इसके अपोजिट कैलकुलेट करनी है, माइनस यू MC माइनस प्लस R MI प्लस V। तो साइन कन्वेंशन का यूज करके वैल्यू पुट कर देते हैं। MO माइनस यू प्लस का V प्लस का R, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो μ1 अपॉन में MO है माइनस का U, μ2 अपॉन में MI है प्लस का V इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में NC है R। तो वैल्यू आ गई μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट जब रेयर टू डेंसर होता है, राइट। और इमेज कैसी है, रियल। अगर इसमें केस ले लें, इफ μ1 अगर 1 है, यानी फर्स्ट जो रेयर मीडियम है वो अगर एयर है, और μ2 क्या है, डेंसर, कोई भी डेंसर मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, हमने μ कंसीडर कर लिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, μ by v माइनस 1 by u equals to μ माइनस 1 by r, क्लियर। तो ये हो गया अपना पहला केस खत्म। एक बार दोबारा नजर मारिए, क्योंकि जो प्रोसेस है सारे केसेस का नेमिंग हम सेम रखेंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी, बस अपने को ध्यान रखना है यहाँ स्नेल्स लॉ का, और जो ट्रायंगल है सेम रहेंगे क्योंकि नेमिंग सेम रहेगी, और ट्रायंगल में बस अपने को वैल्यू सही से निकालने के लिए, ठीक है। ये हो गया पहला प्रोसेस और ये सेकंड पार्ट इसका। चलिए नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट क्या है, लाई कर रहा है अपने पास, क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में लाई करेगा और इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और वही है कॉन्वेक्स अगेन, तो ये रहा कॉन्वेक्स, ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहला ये ऑब्जेक्ट मैंने, अब क्या ऑब्जेक्ट, फिर से कंडीशन ये रेयर टू डेंसर, बट इमेज वर्चुअल बननी चाहिए। ऐसे केसेस के लिए क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास यहाँ पे सरका देते हैं, ये ले आए ऑब्जेक्ट को, अगेन सेम इस पॉइंट एम से क्या करेगी, वो सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए चली जाएगी। यहां से अब क्या बनेगा, फिर से नॉर्मल बनाएंगे हम यहाँ, जो कि क्रॉस करेगा सी पे, जो एंगल बनाता है गामा, ठीक है। अब रे रेयर टू डेंसर ये जाएगी, तो रेयर टू डेंसर बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल कितना ही बैंड कर जाएगी, जरा समझते हैं इसको। ये ओरिजिनली ऐसे थी, तो ये कितना बैंड कर जाएगी, क्योंकि इस हिसाब से तो थोड़ा सा बैंड होगा। अब इसको जब रिट्रेस करेंगे, तो रिट्रेस करने पे क्या होगा, वहां तो कन्वर्स हो नहीं रही, यहाँ जब रिट्रेस कर रहे हैं तो ये कहीं यहाँ जाके रिट्रेस हो रही है, राइट। तो आई बन रहा है हमारा यहाँ, ये बन गया इमेज, क्लियर। सब कुछ सेम है, पॉइंट ये पी, आई के साथ एंगल बनता है बीटा, इस पॉइंट पे
ये पॉइंट हम लेते हैं एन पी। अब रह गया इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रहे तो ये पूरा आ गया आई, ठीक है। पहला ये है अपनी रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल, इसके साथ हो गया आर। क्लियर, स्टार्ट करें फिर से वही स्नेल्स लॉ। अब इतना ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इस एक में कर ही दिया पूरा, बस अब थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे। स्नेल्स लॉ फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो म्यू टू बाय म्यू वन साइन आई साइन आर, इसके लिए वेरी स्मॉल फोर वेरी स्मॉल एंगल वेरी स्मॉल है तो म्यू टू बाय में म्यू वन क्या हो जाएगा अपने पास, ये सिंपली हो जाएगा आई बाय आर, है ना। तो म्यू वन आई और म्यू टू आर, यहाँ से आ गया म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर क्वेश्चन फर्स्ट। अब ट्रायंगल कौन कौन सा चाहिए अपने को, भाई ट्रायंगल सेम पीसीओ PCO, PCO, तो ये दोनों अपने क्या जा रहे हैं इंटीरियर एंगल और ये आई आ रहा है बाहर, तो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होता है PCI, PCI, ये इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये रहा अपने पास R, तो R आ रहा है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, दोनों को पुट करते हैं वहां तो म्यू वन अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू टू बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो म्यू वन अल्फा म्यू वन गामा म्यू टू बीटा और म्यू टू गामा, गामा एक तरफ म्यू वन अल्फा म्यू टू बीटा म्यू टू उधर गया माइनस म्यू वन, अब क्या हो गया एंगल स्मॉल है तो सबके साथ क्या ऐड हो जाएगा टेन, ये टेन अल्फा हो गया टेन बीटा हो गया और टेन गामा हो गया। अब करेंगे टेन की वैल्यू कैलकुलेट, चलिए टेन अल्फा पी एन अपॉन एन ओ, वैल्यू भी सेम आएगी पी एन अपॉन एन ओ म्यू टू सॉरी टेन बीटा है ना, बीटा पी एन अपॉन एन आई म्यू टू माइनस म्यू वन टेन गामा पी एन अपॉन एन सी अब यहां पे क्या होगा पी एन कॉमन कट गया तो वैल्यू आ गई म्यू वन अपॉन एन ओ म्यू टू अपॉन एन आई अपॉन में एन सी। अब क्या करेंगे साइन कन्वेंशन, उससे पहले वही एम इज क्लोज टू एन है तो सारा क्या बन जाएगा ये वैल्यू जो है हम म्यू वन अपॉन में जो एन ओ है वो हो जाएगा एम ओ, ये है म्यू टू अपॉन में जो एन आई है ये हो जाएगा एम आई, और इधर है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में एन सी है वो हो गया एम सी। अब साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलिए एम ओ क्या होता है ये यू ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वी होता है राइट, एमओ माइनस यू एम आई माइनस का वी और एम सी प्लस का आर, माइनस माइनस प्लस तो म्यू टू बाय में वी माइनस इसको पिछले म्यू वन बाय में यू प्लस टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय में आर, तो ये है अपना केस। क्लियर, चलिए अगर ध्यान से देखें पहला क्या था रेयर टू टेंसर, ये सेकंड वाला, और फर्स्ट भी क्या था रेयर टू टेंसर,
म्यू टू बाई में वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन, अगेन रेलर टू डेंसर, इमेज वर्चुअल है लेकिन फॉर्मूला क्या अपने पास सेम। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी, रेलर टू डेंसर जा रहा है फॉर्म मीडियम कैसा भी, ओ सॉरी इमेज कैसे भी बन रही हो, कॉन्सेप्ट अपना सेम रहेगा, है ना। चलिए तीसरा केस है, अब ऑब्जेक्ट क्या है डेंसर में है बट इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, डेंसर टू रियर और इमेज इज वर्चुअल। चलिए करें इसको, भी रहा प्रिंसिपल एक्सिस, कंडीशन क्या है इस बार, ये है डेंसर यानी म्यू टू और ये है रेरर, इट मीन्स म्यू वन, ये रहा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ओ पर अल्फा एंगल बना रहा है, पॉइंट एम से बिना डिफ्लेक्ट करे हुए चला गया। अब बात आती है नॉर्मल की, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल पी पॉइंट पे, जो कि एंगल बनाता है गामा। अब क्या करेगा ये रे जो थी बेसिकली, ये डेंसर टू रेरर, ये इसकी ओरिजिनल ये डायरेक्शन हो गई है ना, इमेज के लिए कलर बदलते हैं। डेंसर टू रेरर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, तो बैंड क्या करती है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। चलिए नॉर्मल से अवे, ये नॉर्मल है, इससे अवे मतलब यहाँ दूर भागी गई, तो ये हो गई अपने पास इमेज, है ना। अब इसको जब रिट्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा हाथ लिया, ये इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी आई पॉइंट पे, ये बन गई इमेज क्योंकि ये क्या है अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग रही है ना, यहाँ हो गया। अब ये एंगल हम लेते हैं बीटा, यहां से ये आ गया परपेंडिकुलर एन, ये तो हो गया, ये ऑब्जेक्ट ओ हो गया, डिस्टेंस यू मान लिया, ये डिस्टेंस बी हो गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहता अपने पास। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच एंगल, इंसिडेंट एंगल ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है और नॉर्मल ये है, तो इनके बीच का एंगल हो गया आर, क्लियर। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है अपने पास, अब कैसे आ रहा है चेंज हो गया ना, म्यू वन में एंट्री हो रही है म्यू टू से, तो म्यू वन बाय म्यू टू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, एंगल स्मॉल है तो म्यू वन बाय म्यू टू इक्वल्स टू आई बाय आर, तो ये क्या हो गया म्यू वन आर इक्वल्स टू म्यू टू आई, इक्वेशन फर्स्ट राइट। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल की, जिससे आर और आई निकलता है, ट्रायंगल अपने पास वही दो है पी सी ओ, आई के लिए पी सी ओ, तो इसमें आई बाहर है ये दो अंदर है, तो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। नेक्स्ट ट्रायंगल जो होता है वो होता है पी सी आई, पी सी आई देखे तो आर बाहर है बीटा और ये अंदर है, तो आर इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, पुट करते हैं म्यू टू आई, म्यू टू आई कितना अल्फा प्लस गामा है ना, और म्यू वन आर तो बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट ओपन करते हैं म्यू टू अल्फा प्लस म्यू टू गामा इक्वल्स टू म्यू वन बीटा प्लस म्यू वन गामा, क्लियर। अगेन सेम स्टेप, गामा वालों को एक तरफ और अल्फा बीटा को एक तरफ, चलिए म्यू वन गामा माइनस म्यू टू गामा, यहां से क्या करते हैं हम, ये तो ऐसे चलेगा म्यू टू अल्फा माइनस म्यू वन बीटा, म्यू वन माइनस म्यू टू, यहां से ले लेते हैं हम गामा कॉमन, क्लियर यहां तक। अब अपने पास क्या स्टेप होता है, इनके साथ लग जाता है टेन,
सब कुछ सेम चल रहा है, छह के छह जितने भी केस हैं सिर्फ सेम चलेगा, प्रोसेस जो है सेम है। ठीक है, आंसर डिफर कर रहे हैं, कहां क्या डिफर करेगा हम बाद में कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं छह इसलिए करा रहा हूँ, सारे केसेस सॉल्व करा देता हूँ, इससे आपको अगर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटर रहेगा, एग्जाम में जाके आपको फ्रेश नहीं लगेगा। टेन अल्फा पी एन अपॉन एन ओ, सेम पी एन अपॉन एन ओ। टेन बीटा पी एन अपॉन एन आई, ये भी सेम चल रहा है। टेन गामा पी एन अपॉन एन सी, पी एन कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू टू बाय एन ओ माइनस म्यू वन बाय एन आई इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय एन सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से वही एम और एन क्लोज हैं तो ये सारी क्या हो जाएगा, ये एम ओ हो जाएगा, वो एम आई और वो एम सी एम, है ना। तो चलो म्यू टू बाय एम ओ माइनस म्यू वन बाय एम आई इक्वल्स टू म्यू वन माइ म्यू टू अपॉन एम सी। अब क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज करके वैल्यू पुट करते हैं। म्यू टू बाय एम ओ, एम ओ माइनस यू, एम आई अगेन माइनस बी, एम सी आर माइनस माइनस प्लस, तो म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इक्वल्स टू म्यू वन माइनस। ये हो गया पहला केस जिसमें हमने डेंसर टू रेयर किया है। अभी तक रेयर टू डेंसर सेम आता था, लेकिन डेंसर टू रेयर करते ही हमारा फॉर्मूला चेंज, पहले यहाँ वी होता था तो यहाँ म्यू टू होता था, यहाँ म्यू वन था और यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन, तो पूरा ये चेंज हो गया। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम करेंगे, यहाँ हो गए कॉन्वेक्स केसेस खत्म, अब हम करेंगे कॉनकेव के, करें। चलिए ये है, अब ऑब्जेक्ट क्या कॉनकेव सरफेस है और ऑब्जेक्ट जो है वो लाई कर रहा है डेंसर मीडियम में और इमेज फॉर्म हो रही है रियल, है ना, तो डेंसर में। तो ये रहा कॉनकेव, ये होगा अब हमारा डेंसर अगेन म्यू टू, ये है रेयर यानी म्यू वन, ये फिर ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर में, चलिए ये रखा ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पर एम से क्रॉस कर गया अल्फा बनाते हुए और यहाँ पी पॉइंट पे, अब क्या बनाना है इसका नॉर्मल। अब इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, सेम बट सेंटर की तरफ, ये आ गया नॉर्मल का है पॉइंट सी पे और ये क्या बनाता है एंगल हमेशा गामा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जरा दे, ये थी रे ओरिजिनल, ये ओरिजिनल थी, है ना। डेंसर टू रेयरर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इससे अवे कैसे जाएगी, इस तरफ बैंड हो जाएगी, इसलिए इमेज कैसे बनेगी रियल, ये हो गए बैंड, इमेज बन गई आई पर। क्लियर यहां तक। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। अब रह गया अपने पास एन पॉइंट, बस ये आ गया एन, तो ये डिस्टेंस तो हो गया अपने पास आर, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और ये हो गया इमेज डिस्टेंस वी, बन गई रियल इमेज क्रॉस करके। क्लियर, स्नेल्स लॉ, सेम चल रहा है सब कुछ, स्नेल्स लॉ इट मीन्स म्यू वन में री जा रही है म्यू टू से, तो साइन आई बाय साइन आर,
तो इसमें क्या होगा, म्यू वन बाय म्यू टू, एंगल स्मॉल होगा तो आई बाय आर, तो क्या हो गया म्यू वन आर इक्वल्स टू म्यू टू आई, तो म्यू टू आई इक्वल्स टू म्यू वन आर इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, पहला ट्राइंगल पी सी ओ, ट्राइंगल पी सी ओ, पी सी ओ ये हो गया एक्सटीरियर, ये दो हो गए इंटीरियर, इट मीन्स गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, तो आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है गामा माइनस अल्फा। दूसरा ट्राइंगल है पी सी आई, पी सी आई एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो उसको जरा ध्यान से देखते हैं, है ना। तो ये हो गया आर, तो आर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। दोनों को पुट करते हैं, म्यू टू गामा माइनस अल्फा म्यू वन गामा प्लस बीटा, चलिए ब्रैकेट ओपन, म्यू टू गामा माइनस म्यू टू अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू म्यू वन गामा प्लस म्यू वन बीटा, फिर से सेम स्टेप, गामा वाले एक तरफ तो यहाँ आ रहा है म्यू माइनस, या तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर बात एक ही है, चलिए इसको कर लेते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा म्यू वन बीटा अपनी तरफ है, ये इधर आके प्लस म्यू टू अल्फा, इसको इधर ले आया, इसको इधर लेके आऊंगा तो म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा, इसे स्टेप सेम, गामा कॉमन ले लेते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन गामा कॉमन, सबके साथ टेन लग जाएगा, म्यू वन बीटा प्लस म्यू टू सॉरी म्यू वन टेन बीटा, म्यू टू टेन अल्फा, और म्यू टू माइनस म्यू वन टेन गामा। अब सबकी वैल्यू निकालते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब बीटा की टेन बीटा पी एन अपॉन एन आई, राइट। तो म्यू वन पी एन अपॉन एन आई प्लस म्यू टू टेन अल्फा, सेम वैल्यू आ रही है पी एन अपॉन एन ओ इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन। अब बात करते हैं हम टेन गामा की, तो पी एन अपॉन एन सी, फिर से सेम स्टेप, पी एन को कॉमन कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ रही है म्यू वन अपॉन एन आई म्यू टू अपॉन एन ओ म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एन सी। फिर से एम और एन क्लोज हैं, तो एन क्या बन जाता है अपने पास एम बन जाता है, तो क्या हो जाएगा ये म्यू वन अपॉन एम आई प्लस म्यू टू अपॉन एम ओ प्लस टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एम सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकी साइन कन्वेंशन का यूज करके, एन आई वी एम ओ माइनस यू एम सी माइनस आर, तो क्या आ रहा है ये म्यू वन अपॉन में वी माइनस म्यू टू अपॉन में यू माइनस ऊपर जाएगा तो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर। अब फिर से क्या केस था, ये हमारा डेंसर टू रेयर है, एक बार ध्यान से देखना, कंपेयर करेंगे इसको म्यू वन बाई वी, इससे पहले कॉन्वेक्स था हमारे पास डेंसर टू रेयर, इमेज थे वर्चुअल म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर, डेंसर टू रेयर है इमेज रियल है म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू म्यू वन माइनस, तो डेंसर टू रेयर अभी इमेज रियल हो या वर्चुअल हर बार क्या आ रहा है अपने पास वैल्यू सेम आ रही है, तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर में और इमेज फॉर्म हो रही है वर्चुअल, ठीक है क्लियर, ऑब्जेक्ट कहाँ है डेंसर में, तो चलिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं डेंसर में, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा,
ऑब्जेक्ट है डेंसर, दैट इज म्यू टू, से जा रही है रेयर म्यू वन, और इमेज बननी चाहिए ऐसी वर्चुअल। तो वो केस तभी है कॉनकेव में जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है इसके सेंटर से, है ना। इसको क्या कहते हैं वहां पे, अगर कर्व वो होता है स्फेरिकल मिरर है तो इसको पोल बोलते हैं, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर। तो इस मिरर के कर्व्स के सेंटर पे रख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं रख दिया हमने, ये रहा ऑब्जेक्ट। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ, जो पॉइंट एम से निकल गया और यहाँ बना रहा अल्फा एंगल, ये रहा इसका नॉर्मल। क्लियर, नॉर्मल मींस सी, और ये पी पॉइंट हम लेते हैं पी। क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे कैसे जाएगा उसके लिए जरा हम इसका ओरिजिनल पहले एक बार रे बनाते हैं। ये है ओरिजिनल रे, राइट, और ओरिजिनल रे अवे कैसे जाएगी इस तरफ, तो इसको कलर चेंज करके, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा हमारा, यहाँ ये हो गया ओरिजिनल रे। अब इसको रिट्रेस करने पे ये कहाँ बनेगी मींस, तो ये बन गया हमारे पास आई। क्लियर, वर्चुअल बन गया ना, रियल तो तब बनती है जब किसी सरफेस को क्रॉस करके बनती है, रिफ्रैक्शन केस में उसे रियल माना जाता है। अब रह गया इसका हमारे पास परपेंडिकुलर ये एन, सब क्लियर हो गया, इमेज बन गई यहाँ आई, ये सी। अब डिस्टेंस कर लेते हैं एक बार, ये डिस्टेंस हो गया वी, ये डिस्टेंस हो गया यू, और ये डिस्टेंस हो गया आर। क्लियर, अब अपने पास बेसिकली ये हो गया अल्फा, इमेज के साथ वाला होता है बीटा, और ये हो गया गामा। सेकंड से फर्स्ट, तो म्यू वन बाय म्यू टू साइन आई बाय साइन आर, एंगल स्मॉल है तो म्यू वन बाय म्यू टू इक्वल्स टू आई बाय आर, जो कि हो जाएगा म्यू टू आई और म्यू वन आर, राइट। ये हो गया, अब फिर से दो ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं, पीसीओ, पीसीओ। हाँ, अब दो चीजें रह गई यहाँ पे, आई और आर निकालना, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल आई, ठीक है। ये है अपने पास रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। क्लियर, अब ध्यान से देखना, ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर आ रही है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी हो गया आर। क्लियर, इस वाइट रे में और ये जो येलो है डॉटेड वाली, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आर। तो ट्राइंगल पी सी ओ हमने उठाया है, ट्राइंगल पी सी ओ ये रहा, अंदर एंगल है आई और गामा, बाहर एंगल है अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू आई प्लस गामा, तो आई इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा। नेक्स्ट ट्राइंगल जो होता है वो होता है पी सी आई, ठीक है, पी सी आई, बाहर एंगल है बीटा, एंगल अंदर एंगल है आर और गामा, तो बीटा इक्वल्स टू है आर प्लस गामा, तो आर कितना आ रहा है यहाँ पे, बीटा माइनस गामा। दोनों को पुट करते हैं, म्यू टू आई की वैल्यू है अल्फा माइनस गामा, ठीक है, म्यू वन आर की वैल्यू है बीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन, म्यू टू अल्फा, म्यू टू गामा, म्यू वन बीटा और म्यू वन गामा, राइट। ये हो गए दोनों। अब गामा, जैसे कि पता है गामा एक तरफ और अल्फा बीटा एक तरफ, तो म्यू टू अल्फा इसको इधर लेके आएंगे, म्यू वन बीटा, यहाँ पे ऑलरेडी म्यू वन गामा है, ये उधर जाएगा तो प्लस म्यू टू, तो ये एज इट इज सेम नोट कर देते हैं, और इधर से गामा कॉमन ले लिया तो म्यू टू माइनस म्यू वन आ जाएगा अपने पास, म्यू टू माइनस म्यू वन गामा। फिर एंगल स्मॉल है तो सबके साथ टेन अप्लाई हो जाएगा,
ये टेन अल्फा बन जाएगा, ये टेन बीटा और ये टेन गामा। अब टेन अल्फा की वैल्यू सेम, टेन अल्फा ये रहा पी एन अपॉन एन ओ, पी एन अपॉन एन ओ। टेन बीटा पी एन अपॉन एन आई, और दूसरा रह गया अपने पास टेन गामा पी एन अपॉन एन सी, सेम एन सी पी एन कैंसिल, तो वैल्यू बन गई म्यू टू बाय एन ओ म्यू वन अपॉन एन आई, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में एन सी। अब क्या होगा, वही एम और एन क्लोज है तो सी सब क्या बन जाएंगे, एन की जगह एम आ जाएगा, म्यू टू अपॉन एम ओ म्यू वन अपॉन एम आई और म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एम सी। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ, एम ओ इसी साइड से रे आ रही है तो एम ओ क्या हो गया माइनस का यू, एम आई माइनस का वी, एम सी माइनस का आर, ये हो गया प्लस, तो म्यू वन अपॉन में वी माइनस म्यू टू अपॉन में यू, ऊपर जाएगा तो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर। इस बार क्या था केस, डेंसर टू रेरर वर्चुअल, राइट, इसको एक बार नोट करिए फिर मैं एक बार करता हूँ। डेंसर टू रेरर इमेज थी रियल, फॉर्मूला था ये, और सेम फॉर्मूला बना है डेंसर टू रेरर जब इमेज है अपना क्या वर्चुअल, तो रियल हो या वर्चुअल बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है हमेशा कि मीडियम कैसा है, डेंसर टू रेरर या रेरर टू डेंसर। चलिए हो गया नेक्स्ट, और अपना लास्ट केस रह गया अपना, ये है नेक्स्ट केस, केस अपना ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है रेरर मीडियम में और इमेज बननी चाहिए वर्चुअल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये रहा, ये हो गया रेरर मीडियम वन, डेंसर मीडियम टू, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट, एक रे यहां से जाएगी और एक सीधी जाएगी पॉइंट एम से, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बनाएंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेरर टू डेंसर, ठीक है। ये आ गया सी जो कि हमेशा गामा बनाता है। अब रे क्या करेगी, जब रेरर टू डेंसर जाती है रे तो वो क्या करती है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, रेरर टू डेंसर, तो ये रे ऐसे जाएगी नॉर्मल के टुवर्ड्स, ऐसे हल्का सा ये बैंड हो जाएगी, यानी इट मींस अगर ओरिजिनली ये ऐसे जा रही थी तो हल्का सा ये इधर बैंड हो जाएगी, के लिए कलर चेंज करते हैं, ये हल्का सा ये बैंड हो गया। अब इसको रिट्रेस करने पे ये कैसा लगेगा, तो ये इमेज बन रहेगी कहीं यहाँ आई, जो कि बनाएगी बीटा और ये बनाता अल्फा एंगल, है ना, ये पॉइंट पी हो गया, तो ये है हमारी। अब ये है सी और इंसिडेंट के बीच का एंगल बनता है आई, क्लियर, और ये है नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव से होता है आर, तो इन दोनों के बीच का भी कैसा बन गया एंगल, आर बन गया अपने पास। चलिए अब सब कुछ हो चुका है, एक लास्ट रह गया नॉर्मल, ये हो गया एन, तो ये होता है अपने पास यू डिस्टेंस, ये वी और ये डिस्टेंस आर, क्लियर। चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या आ रहा है, म्यू टू बाय म्यू वन प्लस टू साइन आई बाय साइन आर, एंगल स्मॉल जाएगा तो म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल्स टू आई बाय आर, क्लियर। तो क्या गया, ये म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर, राइट, इक्वेशन फर्स्ट।
अब फिर से दो ट्राइंगल सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं अपने पास? पहला होता है पी सी ओ, क्लियर, पी सी ओ ये रहा, तो ये हो गया गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, तो गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, तो आई इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। दूसरा ट्राइंगल सेम पी सी आई, राइट, पी सी आई गामा इक्वल्स टू ये हो गया आर, आर प्लस बीटा, तो गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, तो आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, राइट। दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू वन गामा माइनस अल्फा, म्यू टू गामा माइनस बीटा, राइट, ब्रैकेट ओपन, म्यू वन गामा, म्यू वन अल्फा, म्यू टू गामा, म्यू टू बीटा, राइट। तो इसको इधर लेके जाते हैं या किसी को भी ले आइए इधर, ये आ गया म्यू वन अल्फा, और ये इधर आएगा तो प्लस म्यू टू बीटा, यहाँ रह गया म्यू टू गामा, इधर जाएगा तो म्यू वन, राइट, तो माइनस म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन गामा, राइट। अब इन सब के साथ क्या लग जाएगा, टेन टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, टेन अल्फा सेम पी एन बाय एनओ बीटा की वैल्यू पी एन बाय एन आई, टेन गामा पी एन बाय एन सी, ठीक है, अगेन पी एन कैंसिल, तो माइनस म्यू वन अपॉन में एन ओ प्लस म्यू टू अपॉन एन आई इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में एन सी, राइट। अगेन एम और एन क्या है अपना क्लोज है, तो सारे रिप्लेस होके क्या बन जाएंगे, ये हो गया एम ओ, ये हो गया एम आई, और ये हो गया एम सी, राइट। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, एम ओ माइनस यू एम सी माइनस आर, सारे माइनस से वैल्यूज पुट हो रही है, माइनस यू माइनस वी, तो ये क्या आ रहा है माइनस का आर, ये हो गया प्लस, ये हो गया, तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया म्यू वन बाय यू माइनस म्यू टू बाय वी इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। अब क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, राइट, तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये थे हमारे छह केसेस। अब जरा इसमें एक चीज और नोट करना, ये था हमारा रेरर टू डेंसर मीडियम, इमेज है वर्चुअल, रेरर टू डेंसर मीडियम फॉर्मूला बनता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब जितने भी रेरर टू डेंसर है केसेस, रेरर टू डेंसर इमेज वर्चुअल सेम केस, राइट, रेरर टू डेंसर इमेज रियल अगेन सेम फॉर्मूला, तो रेरर टू डेंसर सेम है, और डेंसर टू रेरर इमेज कैसे भी बनती है हमारा इमेज पे डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेप्ट डिपेंड कर रहा है हमारा मीडियम कैसा है। अगर रेरर टू डेंसर है, रेरर टू डेंसर इमेज कैसी है, आइदर रियल है या वर्चुअल है, तो केस अपने पास वही आ रहा है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, जो कि ये अभी हमने करा था जरा, राइट। बट अगर डेंसर टू रेरर है तो कॉन्सेप्ट आता है म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू, तो डेंसर टू रेरर के लिए, फिर से इमेज कैसी बन रही है अपने पास, रियल हो या वर्चुअल हो,
कॉन्स्टेंट रहेगा म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। बेसिकली क्या है, इमेज पे डिपेंड नहीं करता है मीडियम कैसा है, किस मीडियम से किस मीडियम में रे ट्रेवल कर रही है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट दो ही है हमारे छह केसेस में, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि डेंसर टू रेयर है तो म्यू वन अपन वी हो जाएगा और म्यू वन माइनस म्यू टू, रेयर टू डेंसर है तो ये म्यू टू अपन में वी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दोनों जगह माइनस ही आना है। तो ये थे हमारे छह केसेस जो हमने रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सर्फेसिस पे करें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम, इससे आगे के लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।